एक आध दिन में ही आपको एक तगड़ा वाला सरप्राइज भी मिलने वाला है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के दिन की शुरुआत हमने कर दी है बिल्कुल सुबह से, और आज जो है ना, कल जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, खूब सारी सब्जियां ले आए पापा, तो अब सब्जियों का नंबर है। तो आज फर्स्ट सब्जी मम्मा ट्राई करेंगी, और वो भी करेंगी भिंडी। मुझको भरवा भिंडी पसंद है, लेकिन मम्मा कट वाली बना रही है, क्योंकि मम्मा की भी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। ऐसा है ना, इन दिनों में वैसे भी मिलती कीड़े वाली भिंडी है। अच्छा, तो इसलिए इसमें कीड़ा कट जाएगा। इसमें कट क्यों जाएगा, उसमें तो कीड़ा अंदर चला जाएगा, इसमें तो दिख जाएगा, मान लो। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं बात मम्मा की। और क्या, खिला तो दी थी। ठीक है, तो गाइस अपन चलते हैं ऊपर, और ऊपर चलकर जल्दी से अपने काम में लगते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने काम को। तो ठीक है भाई साहब, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काम को। और अभी ही मम्मा जब भिंडी चढ़ाएंगी, तो उसकी चटर पटर सुनने जाऊंगा, लेकिन अभी जल्दी से मैं अपनी सेटिंग करता हूँ, सारे सामान वगैरह, जहाँ पर मुझे कैमरा वगैरह डाउन पड़ा होगा, इसको भी चार्ज कर लेते हैं। तो ठीक है भाई साहब, बैटरी वगैरह सब कुछ अपने चार्जिंग पर लगा दिए, और अब मम्मा की आवाज़ आ रही है कि आ जाओ, तो फिर चलते हैं चटर पटर देखते हैं, और बन जाए तो फिर भिंडी बनती है गरम गरम, चटर पटर सुन के तो मजा बहुत आता है खाने में, ये तो बात है। बाकी अभी चलते हैं नीचे। हाँ जी भाई साहब, कहाँ तक पहुंची कहानी आपकी? अब हो भाई ये सब्जी, इतना टाइम कौन लगाता है भाई? हम लगाते हैं भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्यों अजीब सा लग रहा है? अच्छा, जुकाम सर्दी बुखार मत बनाओ, घूमने चलो कहीं। तो घूमने बहुत अच्छा लगता है ऐसे में। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं कलर, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड भी तो है इसमें। मिर्ची देखो रेड हो गई। यहाँ पर तेल गरम कर दिया है हमारे, अब आएगी इसमें खुशबू, और खुशबू सूंघने के बाद लगती है भूख, फिर यही गरम गरम ताजा ताजा भिंडिया मैं खा लूंगा, है ना? आपको ऐसी लगती है, जैसी गल जाएंगी वैसी दे दूंगी। ठीक है ठीक है। Yes. कभी कहता है चिकन पसंद है, कभी कहता है ये पसंद है, लेकिन मम्मा जब ताजा ताजा बनाती है तो सब कुछ पसंद है वैसे, ये बात तो है। खुशबू इतनी जबरदस्त आती है, क्या बताऊं, खुशबू की वजह से लगता होगा आपको। हाँ, भूख लगने लगती है फिर। तो मम्मा यहाँ पर अपनी सब्जी में मेहनत कर रही है, और मेरा दाना जो है ना, थोड़ा थोड़ा आज बैठ चुका है, तो बड़ा सुकून लग रहा है, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था, शक्ल ही खराब हो गई दो दिन से, क्या बात है। दो दिन से नहीं, जुलूस से भी बहुत पहले से शक्ल खराब होती आ रही है, ये वाला दाना तब से उठा, अब बैठा जुलूस चला गया, तो स्मार्ट लगना चाहिए था, भूत लग रहा था। सही तो लग रहा था। तो ठीक है भाई साहब, अभी फिलहाल हम निकलते हैं ऊपर के लिए, मम्मा को बनाने देते हैं भिंडियां, जब भिंडियां रेडी हो जाएंगी उसके बाद हम आ जाएंगे, तब तक फिर से हम अगेन चलते हैं, ठीक है मम्मा? ओके चलो भाई। तो ठीक है भाई साहब, आज हमने ना काफ़ी सारी स्क्रिप्ट जो है ना तैयार कर ली है बनाने के लिए, पूरे वीक का प्लान कर लिया है कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है सब। अभी बाकी आवाज़ फिर से आ रही है कि हाँ तैयार हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं और टेस्ट लेकर आते हैं। हाँ जी, कहाँ तक पहुँची कार्रवाई? कहाँ तक पहुँच गई कार्रवाई? कार्रवाई हाँ जी, क्या बना रही हो? पराठा बना रही थी आपके लिए। तेने तो कमाल कर दिया। वो भी खस्ता वाला, लच्छा वाला, लच्छा पराठा भी बना रही है, तो फिर सही है, अब गरम गरम भिंडी खा लूंगा पराठे के साथ, है ना? रोटी भी बनाकर रख दी, बना के रख दूंगी तो सरप्राइज हो जाएगा। हाँ, हमारा सरप्राइज खत्म हो जाता है। देखा मेरा कमाल। तो सब्जी रखी भाई साहब यहाँ पर, लेकिन गरम है बहुत। ठीक है भाई साहब, मम्मा लेकर भी आ चुकी हैं, ये रहा टेस्ट करने के लिए सामान। ठीक है भाई साहब, तो टेस्ट करते हैं जल्दी से, अब अनिल का जा रहा है, काम वाम छोड़ के आ गया हूँ खाने। वाह क्या बनाया मम्मा ने, मजा आ गया। अच्छा बना है, बहुत जबरदस्त लच्छे पराठा बना दिया मैंने आपके लिए, आवाज चेंज हो गई। तो ठीक है भाई साहब, खाना टेस्ट करने के बाद, खाना खाने का भी टाइम हो चुका है, इधर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर खाना मम्मा ने लगा भी लिया, और पापा भी आ गए हैं बाहर। चलो ठीक है गाइस, खाना भी खा लेते हैं जल्दी से, फिर मैं अपने काम में लगता हूँ, और फिर मिलूंगा फिर कभी, ठीक है? और भाई साहब अभी आ चुके हैं हमारे घर पर कुछ गेस्ट, हमारी दादी हैं, आंटी हैं, तो उन्हीं के लिए मम्मा जान जो है नाश्ता लगा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, है ना? और ये हमने रख दिए केले। बाल हो गया अब तो। ठीक है भाई साहब, अंदर लगा दिया है नाश्ता, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मा लगा रही हैं, और यहाँ पर नाश्ते के साथ साथ चल रहा है हमारा ब्लॉग, और सारे लोग जो भी आए हैं वो देख रहे हैं बैठकर, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है कंप्लीट अपना कुछ नाश्ता, ब्लॉग को एंजॉय करते हुए कर लेते हैं अपना नाश्ता। क्या चाहिए है? हाँ आप सही लगा कैप।
तो ठीक है भाई साहब, मेहमान जो है वो जा चुके हैं। आपको एक बात और बता दें, एक आध दिन में ही आपको एक तगड़ा वाला सरप्राइज भी मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो वो सरप्राइज है, इसलिए जब मिलेगा तभी आपको पता चलेगा। क्या मिलेगा? सबको मिलेगा, मुझको, पापा को, मम्मा को, झूठ बोलता रहता है, मैं बता दूं, और आप लोगों को भी। अरे नहीं, जब होगा तब आपके सामने होगा, ठीक है, और इंशाल्लाह जल्दी होगा। मैं बात नहीं करता, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। सदमा करवा के मानेगा मुझे, और कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं एक दो दिन बाद कि वो होता है नहीं होता है ना। चुप रहे। हाँ, मम्मा ऐसी बातें करती रहती हैं। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और आप लोग गैस करना कि क्या हो सकता है, और मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगो हो। अरे हाँ, कमेंट पढ़ना कमेंट निकालो अपने सरप्राइज के चक्कर में, मेरे सरप्राइज के चक्कर में आपकी ये कमेंट रहे, कमेंट नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट है आकिब का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर कह रही हैं दिल्ली वाली खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कह रही है बाजी आप अपना ख्याल रखना, और बुखार बहुत चल रहा है, ध्यान रखो अपना भी और सबका। बहुत ध्यान रखती हूँ, क्या करूँ मैं, कल ऐसा था मेडिसिन रखती थी, वो कहीं पर नहीं मिली, आता नहीं मिली, आता नहीं। मुझे लग रहा है बंद हो गई मेडिसिन, पहले भी खा लेती थी, थोड़ा महसूस होता था, लेकिन मुझ में सवारी होके मारा लज लज का। अच्छा, लेकिन खा ली दवाई अपने भाई की दुकान से मंगा कर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट कमेंट है साबिर अंसारी का, कहना है बाजी अकेली बहुत काम करती हैं भाई। हाँ, तो बहुत काम करती हैं, करती रहती हैं, तो भाई करते हैं क्या। यस गाइस, बाकी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मैं तो कहती हूँ इतना काम दे भी एक टाइम की फुर्सत ना मिले। फिर नेक्स्ट कमेंट है उमेर शेख का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो वालेकुम अस्सलाम। और इतने ही कमेंट थे आप लोगों के, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी प्यार दीजिए सब लोग, ज्यादा से ज्यादा, बाकी अंदाजा लगाना सरप्राइज क्या हो सकता है, कमेंट में बताना, कमेंट में, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता, मुझे परेशान करता है, मैं फिर से बता दूं, ये यूं कर रहा है आप। यस गाइस, सो आप लोग मेरी सुनना, इनकी मत सुनना। हां, इनकी बहुत मारूंगा डंडे। तो मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।